अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद कर देता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो तुम्हें कभी भी ना उम्मीद नहीं होने देता। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आरजी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। यही उसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहां से अता करता है जहां से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियां मुकम्मल कर दी वो फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अल वदूद भी है यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजबान चूटी की खामोशी भी नजरअंदाज नहीं करता वो तुम्हारी हिचकियां लेती हुई आवाज उसको कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।